हर एक लड़का अपनी बहन से भी कहता होगा कि मेरे घर की शान है तू, मेरे घर की मान है तू, मेरी इज्जत है तू, मेरी मूछे है तू, मेरी पगड़ी है तू। तो इन पुरुषों से मैं पूछती हूं कि अगर आपकी मान, आपकी शान, आपकी इज्जत, आपकी पगड़ी, आपकी मूछे हम हैं, तो जब हम फूले में बैठती हैं और सारी दुनिया हमारा पिछवाड़ा देखती है, तो आपकी रगों में बहता हुआ लहू उबाल क्यों नहीं मांगता? हर एक नौजवान जिसके गांव में कोई भी महिला जब रोड पे बैठती है, तो उसकी रगों में बहता हुआ ये लहू उबाल क्यों नहीं मारता? क्यों वो एक चुप नहीं होता और अपने गांव की उन महिलाओं को उस अपमान भरी जिंदगी से बाहर निकालने का प्रयास क्यों नहीं करता? क्यों मस्त है हम सब अपनी अपनी जिंदगी में? 5x5 का कमरा नहीं है ये शौचालय। जो चीज आपके स्वास्थ्य को, जो चीज आपके सम्मान को, दोनों को हिफाजत देती हो, उसके प्रति इतनी उदासीनता क्यों? हर चीज में तो जानवर से खुद को अलग किए बैठे हो। कभी देखा है आपने किसी बकरी को ऐसा सूट पहने हुए? देखा है आपके गुरुजन जैसी बढ़िया बढ़िया पैंट बुशर्ट टाई लगा के बैठे? किसी हाथी को देखा है ऐसे पहने हुए? किसी जानवर को आपने देखा है 4-5 कमरे का कच्चा पक्का मकान बनाते हुए? अरे किसी जानवर को आपने देखा है क्या शादी ब्याह रचाते हुए? किसी जानवर को देखा है क्या यारी दोस्तियां रिश्तेदारियां निभाते हुए? किसी जानवर को देखा है क्या अपने बच्चे की उंगली थाम के ये स्कूल और कॉलेज की राह पे ले जाते हुए? किसी जानवर को देखा है अपने बीमार बच्चे को गोद में उठा के अस्पताल में ले जाते हुए? नहीं, आप और मैं घर भी बनाते हैं, आप और मैं शादी ब्याह भी रचाते हैं, आप और मैं दोस्तियां भी निभाते हैं, दुश्मनियां भी निभाते हैं, आप और मैं स्कूल कॉलेज अस्पताल भी जाते हैं। हर बात में गर्व से, फक्र से खुद को जानवर से अलग किए बैठे हैं, केवल एक चीज को छोड़ के कि जहां कुत्ते का मन किया डांग उठा के मूंद दिया, जहां भैंस का मन किया पूंछ उठा के गोबर कर दिया, वही हमारे 60% बहन भाइयों का आज भी ये हाल है कि जहां मन किया लोटे डब्बे पकड़ के बैठ गए। क्यों, क्यों और आखिर कब तक? और कितना इंतजार चाहिए आपको हमको? बहुत तरक्की हो गई, बहुत विकास हो गया, लेकिन इस विकास का क्या फायदा? आपने भवन बना लिए लेकिन मजबूत भवनों में बीमार लोग बैठे हैं। आपने पक्की सड़कें बना ली मगर उन पे कच्चे और कमजोर लोग चल रहे हैं। फायदा है ऐसे विकास का? जब तक समाज में स्वस्थ और शिक्षित लोग नहीं होंगे, यकीन मानिए सारा विकास आपका धरा का धरा रह जाएगा। अब आइए आह्वान कीजिए सरगुजा के एक व्यक्ति का कि हम एकजुट हो जाएं, दिए से दिया जलाएं और छत्तीसगढ़ में सरगुजा का नाम पूरी इज्जत से लिया जाए, ऐसा कोई काम कर जाएं। अब इस जिले में एक ही बात होनी चाहिए कि हम ODF अपने जिले को बनाएंगे, ओपन डेफिकेशन फ्री करके, खुले में शौच से फ्री करके इस सरगुजा को हम दिखाएंगे। दिन हो या रात, आंधी आए या बरसात, ये ODF की मशाल अब हर सीने में जलनी चाहिए। अपने सरगुजा के हर शहर, हर गांव की तस्वीर मेरे नौजवान साथियों, अब तो बदलनी चाहिए, अब बदलनी चाहिए, अब बदलनी चाहिए। थैंक यू।